सब विश्वास अटल दो, और वक्त की आवाज है हालात बदल दो, और कहीं गुमराह ना हो जाना सियासत की चाल में, और नया इतिहास रचाना है नए साल 2012। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष आज गोंडा पहुंचे और सदर विधानसभा प्रत्याशी सूरज सिंह के साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग किया। वहीं कैंपेनिंग करते हुए समाजवादी पार्टी की नीतियों को बताया और अखिलेश यादव के घोषणा पत्र के बारे में बताया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घोषणा पत्र को जुमला बताते हुए कहा कि सिर्फ ये घोषणा पत्र जुमलाबाजी है। अरे नेता जी, सोनू ग्राम हो, सोनू ग्राम देखिए, आज ये गोंडा सदर में जनपद गोंडा की गोंडा सदर विधानसभा में यहाँ के प्रत्याशी आदरणीय सूरज सिंह जी, और जिस तरह योगी सरकार ने और भाजपा सरकार ने व्यापारियों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ जो अन्याय अत्याचार जुर्म किया है, उसका एक एक व्यक्ति इंतजार कर रहा है। पता 27 तारीख यहाँ चुनाव होने जा रहा है और सारे लोग इंतजार कर रहे हैं चुनाव के सही के बटन पे दबा करके, और योगी सरकार को और योगी को यहाँ उत्तर प्रदेश से भगाने का और समाजवादी सरकार बनाने का संकल्प ले चुके हैं। आपने अभी देखा जिस प्रकार व्यापारियों में उत्साह है और जिस तरह छोटे कल कारखाने बंद हुए हैं, चाहे नोटबंदी का दौर हो, चाहे कोरोना का दौर हो, और जिस तरह GST के माध्यम से व्यापार और धंधे चौपट करने का काम किया, नोटबंदी के माध्यम से व्यापार धंधे चौपट करने का काम किया और किसानों पे लगातार अन्याय और जुर्म जारी है, उस तरह हर पूरे उत्तर प्रदेश, चाहे नौजवान हो, व्यापारी हो, किसान हो, या हर तबका, चाहे दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, चाहे जो तबका हो, पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। और योगी जी का जो आज संकल्प पत्र आया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि कल्प पत्र है, कल्पनाओं का पत्र है, इसके पहले भी इनका कोई संकल्प पत्र, कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाए हैं, और ये जो आया है पूरी तरह से जुमला है। और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने 300 बिजली के साथ साथ नौजवानों को रोजगार देने, किसानों की MSP तय करने और सिंचाई मुक्त और बिजली घरेलू मुक्त करने की जो बात की है, इससे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। कितनी सीट आपकी उत्तर प्रदेश में आप लेके आ रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा जिस तरह लहर है, 400 से ऊपर सीटें समाजवादी पार्टी की आने जा रही है और पूरे उत्तर प्रदेश बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है।